अपने घर को खूबसूरती से सजाइए, आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीपवेल, मैट्रेसेस एवं फोम्स, साथ ही इंडिया सर्कस के होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। मैं तो नगर निगम के हिसाब से तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि ये कहने के लिए सरकार का कार्यक्रम है पर लग रहा कांग्रेस का कार्यक्रम है, क्योंकि ये सरकारी जितना भी सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके कांग्रेसीकरण किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री। हो सकता है कि कांग्रेस के पार्टी से चयनित होकर लेकिन वो बने तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस का महिमामंडन किया जा रहा है बिल्कुल ही सरकारी खर्चे के ऊपर बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। और ये जैसे देखिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग देखिए कि सारे सरकारी कर्मचारियों को, ये जितने भी हैं सब नगर निगम के कर्मचारी हैं, और इनको लाके यहाँ बैठा दिया, और ये और भीड़ दिखाने के लिए सिर्फ सरकार को मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं, जो कि कदाचित न्यायोचित नहीं है। और ये सरकारी का तंत्र का दुरुपयोग है और कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार से पट्टे की स्कीम फेल हुई है, आम जनता पट्टों के लिए परेशान रहा है, पीड़ित रहा है और शोषित हो रहा है, उसी प्रकार से ये इंदिरा, जिस तरीके से नरेगा गाँवों में फेल थी उसी प्रकार से ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना भी एक विफल प्रयास रहेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पार्षदों का कहना है कि यहाँ पार्षदों की पार्षदों को बुलाया, मैं खुद पार्षद हूँ, मैं बैठने की, आप देखिए सब प्रथम पंक्ति में कांग्रेस के नेता बैठे हुए। ये निगम का कार्यक्रम है, सरकार का कार्यक्रम है कि कांग्रेस का कार्यक्रम? वे हैं उचित है, वो कांग्रेस के नेता हैं, उनका बैठने का अधिकार है, लेकिन एक ये न्याय मतलब निगम के जो भी आयुक्त हैं और जो इनके जो प्रभारी हैं इस कार्यक्रम के, उनको देखना चाहिए था कि किस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है, सब पीड़ित हो रहे हैं, ना पानी की पे सफाई कर्मचारी परेशान है, ना पीने का पानी है, और चलाती धूप पड़ रही है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है और कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पे शहरी रोजगार के तहत आज यहाँ पे लोगों को लाया जा रहा है, जो कि गाड़ियों में बिठा के जबरदस्ती उनको भीड़ इकट्ठी करने के लिए बिठाया जा रहा है, जबकि रोजगार अभी इतने दिए नहीं गए। और ये टोटली कांग्रेस का कार्यक्रम है, आम जनता का कार्यक्रम नहीं है। केवल कांग्रेस की जो नीतियां चल रही है उसी के तहत ये काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को भ्रम में रख के कि भाई हम इतने लोगों को रोजगार देके और भीड़ दिखा के और अपना कांग्रेस अपना पद दिखाना चाह रही है। क्या लगता है आपके लिए आपके नहीं है? यहाँ पर केवल कांग्रेसों के लिए बैठने की व्यवस्था है, पार्षदों को बिल्कुल भी पूछा नहीं जा रहा है। जो बीजेपी के पार्षद है केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग हैं केवल उन्हीं को मूल्यवान बनाया जा रहा है यहाँ पे, और हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। हम लोग कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं इस योजना का, और इसका मतलब योजना वो होती है जो हर आदमी तक पहुंच सके। ये योजना जो है केवल दिखावे के लिए बनाई गई है, ताकि कांग्रेस अपना वर्चस्व दिखा सके। पर कांग्रेस को मैं कहना चाहती हूं कि उनका वर्चस्व उखड़ चुका है, और राजस्थान की धरती पर बीजेपी का ही वोट हमेशा बना है और बीजेपी ही हमेशा आगे रहेगी। मैं प्रतिभा पारशा, वार्ड 3 पार्षद। आज जो निगम ने यहाँ कार्यक्रम कराया गया वो निगम का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पे ये कांग्रेस के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये हम इसका भरपूर जोर से विरोध करते हैं इस कार्यक्रम का। यहाँ पे सरकारी तंत्र का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है, भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। जो ये शहरी गारंटी योजना लेके आए हैं ये विफल है, जिस तरह से नरेगा गाँव के अंदर विफल रही है, सफल नहीं हुई पाई, इसी तरह से ये जोर लगा के यहाँ पे शहरी गारंटी योजना को लागू कर रहे हैं, पर ये विफल है। ये कह रहे हैं हजारों आदमियों को, हमने लाखों लोगों को इससे लाभ पहुँचाया, मैं कह रहा हूँ यहाँ गरीबों को कुचला जा रहा है। यहाँ पे धूप के अंदर कड़कड़ाती है, धूप के अंदर ये गरीब आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सारे ये सफाई कर्मचारियों को लाके यहाँ पे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इसका हम भरपूर जोर से विरोध करते हैं। और कल हुआ तो नगर निगम के बाहर हेल्प के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें हम, मेरा नाम अशोक मुद्गल है, वार्ड पार्षद 69। आज हम सभी को सूचना दी गई थी, पार्षदों को भी, पूरे शहर में भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का भव्य शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें CM साहब VC के द्वारा सभी लोगों को संबोधित करेंगे, और मेयर साहब, कमिश्नर साहब और सभी गणमान्य लोग और अधिकारीगण जितने भी रोजगार का लाभ उठाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं मिली है यहाँ, और मैंने खुद ने भी आकर देखा है, टेंट कुर्सी भी अभी लग रही है, तो इससे आम जन को परेशानी हुई है। एक अच्छा मैसेज नहीं गया है शहर में, और इस व्यवस्था को अच्छा बनाना चाहिए था, जिससे कि आम लोगों को परेशानी नहीं होती, और टेंट कुर्सी भी जस्ट आधे लोग बैठे हैं आधे खड़े हैं, तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे खुद को।